आज यूपी अधीक्षक शिक्षक पूरे दिन राज्य परियोजना कार्यालय पर डटे रहे। अपनी मांगों को लेकर धरना जारी है नियमितीकरण तक। आइए देखते हैं क्या कुछ पूरी पूरी जो चरण जो होते हैं शिक्षकों की भर्ती होती है वैसे ही पूरे मानक हम लोगों ने पूर्ण किए हैं। और हम लोगों की जो हम लोगों का मेरिट बेस तैयार हुआ था सिर्फ उन्होंने क्या किया उसमें अंदेशकों को ठगा है सिर्फ अंशकालिक बोलकर, जबकि हम लोग अंशकालिक नहीं पूर्णकालिक काम करते हैं, पूरा टाइम शिक्षकों की भांति कार्य करते हैं। आप शिक्षकों से भी पूछ सकते हैं और हमारा आप स्तर चेक कर लीजिए, आकलन करवा लीजिए, जहां अंदेशक है वहां की व्यवस्था क्या है, बच्चों की स्थिति क्या है, आपको स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि क्या चल रहा है। निकालने हैं उसमें भी 11 महीने का मानदेय मिलेगा, 1 महीने का काट लेगी सरकार। किस हद से आप में हमारा 1 महीने का मानदेय काट रहे हो, देते ही 9,000 हो उसमें भी काट लोगे। 7,000 से 2013 में आपने शुरू किया था, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई और आप वहीं के वहीं पड़े हो। आपकी जेब से पैसा निकल नहीं रहा है, आदेश आप शिक्षकों के बराबर, हम लोग की तुलना आप शिक्षकों से करते हैं। जब काम होता है तो शिक्षकों से तुलना है, बीएलओ से लेकर जितनी भी ड्यूटी जो है, जितने भी फरमान जारी होते हैं, जो भी योजनाएं होती है वो लागू कौन कराता है, अंदेशक लागू कराता है ना। शिक्षा में चुकी है मैडम के पास हमारे सवालों के अब जवाब नहीं है, क्योंकि 11 सूत्री मांग में मैडम ने एक मांग हमारी पूरी नहीं कर पाई आज तक, जो कि उनके हाथ में था। 10 CL हमको मिलती है, आप 14 CL तुरंत कर सकती हैं, नहीं कर पाई आप, ठीक है। आप CCL कर सकती हैं, प्रस्ताव भेज सकती हैं, आपने CCL भी नहीं किया। महिलाओं को CCL का बाल्यकाल अवकाश मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी महिला हैं, महिला शिक्षक। आज मैं जिस विद्यालय में हूँ जहाँ मैं इंचार्ज अभी मैंने अटैच हुई हूँ, महिला जो मैडम थी वहाँ पे एकल विद्यालय था प्राइमरी का, वहाँ पे मैडम छुट्टी पे गई हुई है। उनका तो देखा आपने कैसे हृदय को द्रवित कर देने वाली समस्याएं हैं, इनकी दुख है, इनकी पीड़ा है। कल का समाचार, कल 10 बजे तक परियोजना कार्यालय निषादगंज में अग्नि परीक्षा की घड़ी है। ये विक्रम सिंह प्रदेश अध्यक्ष ने आह्वान किया है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने के लिए। उन्होंने कहा आज परियोजना निदेशक महोदया का बार बार संदेश आया कि 5 सदस्य आकर अपनी समस्या बताएं। धरने में उपस्थित जनसमूह संगठन पदाधिकारियों के सलाह एवं सुझाव के अनुसार तय हुआ कि हम लोगों की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश से कराई जाए। विक्रम सिंह लिखते हैं, साथियों मैं विक्रम सिंह अति आधीरता से आप सभी से आह्वान करता हूँ, स्वयं के भविष्य में सकारात्मक बदलाव के लिए आप सभी लखनऊ अवश्य पहुँचें। अंत में समस्त अंधिक्षक साथियों को प्रेरित करते हुए ये पंक्तियाँ लिखी हैं, अंतर मन का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलझाएं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपने विघ्न घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव ददीच हड्डियाँ गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। विक्रम सिंह अध्यक्ष अंधिक्षक संघ। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अंधिक्षकों को मिल सके उनका हक और उनका संवैधानिक अधिकार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।